नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के भाग एक का चैप्टर नंबर सेकेंड सायदारी पीढ़ी का वास के साथ उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लोग, आपके पास में किताब होगी, आप लोग किताब ओपन कर लेंगे तो आपको सवाल जो है अच्छे से समझ में आएगा। लौ और कुश एक सायदारी पीढ़ी के सायेदार हैं। वे 60% लाभ 3:2 के अनुपात में और बाकी का लाभ 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। यानी इसमें जो नया पॉइंट है वो ये 60% और 40% जो लाभ बांटना है, वितरपात्र लाभ बांटना है, उसके बारे में दिया गया है। हम लोग जब अपना लाभानी वितरण खाता बनाएंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, तभी पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे। और आगे बोला गया है, पीढ़ी की तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से पीढ़ी का लाभानी वितरण खाता सायदारों के चालू खाते तथा पक्की तलपट तैयार कीजिए। इसमें देखिए, हमें साफ साफ कहा गया है कि हमें कौन कौन से खाते बनाने हैं। हमें बनाने हैं लाभानी वितरण खाता, साधारण रूप चालू खाता और पक्की तलपट। सिर्फ तीन खाते ही हमें इसमें बनाने हैं। और वर्ष उसका वर्ष के अंत की जो तारीख दी गई है, वो तारीख कौन सी दी गई है? दी गई 31/3/2017 की, ठीक है। तो अब हम आगे सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया गया है, सकल तलपट दिया गया है। इसमें जो नया पॉइंट है वो ये दिया गया है, इसमें चालू खाते की बाकी दी गई है लव और कुछ की, तो उसी हिसाब से हमें चालू खाता बनाना ही है। इसमें पहला ही कह दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे समायोजन नंबर 1 से। पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, पूंजी कितना दिया गया है लव और कुछ की? लव की पूंजी दी गई है 1,20,000, कुछ की पूंजी दी गई है, कुछ की पूंजी दी गई है 80,000। तो बच्चों लोग, हमें यहाँ पर पूंजी खाता बोला भी नहीं गया है और उसे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पूंजी सायदारों पीढ़ी की जो पक्की तलपट है वहाँ लिख देंगे। पूंजी लौ की 1,20,000 और कुछ की पूंजी दी 80,000, दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,00,000। फिर उस पर बोला है पूंजी पर 6% ब्याज। तो पूंजी पर हमें 6% ब्याज जो है सायदारों का चालू खाता हम लोगों ने बनाया है, चालू सायदारों के चालू खाते के जमा पक्ष में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और तारीख डालेंगे 31/3/2017 और लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, ठीक है। तो हमने जो बोला है पूंजी पर ब्याज कितना बोला, 6%। तो हम लोग 1,20,000 का 6% निकालेंगे लघु का, तो निकलेगा 7,200। और 80,000 का हम लोग 6% निकालेंगे तो निकलेगा 4,800। अब इसी की हमें दूसरी असर कहाँ देनी होगी, हमें दूसरी असर देनी होगी लाभानी वितरण खाते के उधार पक्ष में। अब दे सकते हैं यहाँ पर लाभानी वितरण खाता, ठीक है, उधार पक्ष में पूंजी पर ब्याज लघु का दिया 7,200, कुछ का दिया 4,800, बार के कॉलम में आ जाएगा 12,000। फिर कहा गया है आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। तो आहरण देखिए, देख सकते हैं सवाल में आहरण कितना दिया गया है लव और कुछ का। आहरण उधार में लव का दिया 40,000 और कुछ का दिया 12,000। हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सायदारों के चालू खाते के उधार पक्ष में। तारीख लिखेंगे 31/3/2017, आहरण खाता लव का 40,000, कुछ का 12,000। और उसी के नीचे हमें उसका 10% ब्याज निकाल लेना है। तारीख लिखेंगे 31/3/2017, आहरण पर ब्याज खाता लव का 4,000, 10% 40,000 का यानी 4,000, और कुछ का 12,000 का 10% यानी कि 1,200। और दूसरी असर हमें कहाँ देनी है कि सायदारों के लाभ वितरण खाता के जमा पक्ष में आरंभ पर ब्याज खाते लव का 4,000, कुछ का 1,200, बाहर कितना आ जाएगा 5,200।